शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इधर आ भाई। निकल जाओ यहाँ से। हाँ निकल जाता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो सीता। क्यों अपना असली नाम सुनकर चौंक क्यों गई? रामपुर की याद तो आती होगी, क्यों सीता? कैसा रामपुर? कौन सीता? मैं सीता नहीं, सितारा हूँ। सितारा बाई। कोई बाई वाई नहीं है। अपनी असलियत मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी इज्जत पर डाका डालने वाला डाकू नहीं, बल्कि तुम्हारा हमदर्द हूँ सीता। मर गई सीता। सीता गुजरे हुए वक्त की फटी हुई वो तस्वीर है, जिसे सितारा नाम के नए फ्रेम में चढ़कर आवाज के बाजार में बोली लगाने को टांग दिया गया है। और इस तस्वीर को इस बाजार में टांगा किसने है, उसको भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मतलब बिरजू से है। कहाँ है वो कमीना? मैं अपने दिल के जख्मों पर उसके खून का मरहम लगाना चाहती हूँ। बर्बादी की जिस आग में मैं जल रही हूँ, उसे बिरजू के आंसुओं से बुझाना चाहती हूँ। बताओ कहाँ है वो? हाँ, बताऊंगी नहीं बल्कि मिला भी दूंगा, लेकिन इतनी हमदर्दी जताने के बाद इस नाचीज हमदर्द को मिलेगा क्या? जो तुम चाहोगे, लेकिन बिरजू के मिलने के बाद। तो फिर समझ लो कि बिरजू आज रात ही मिल जाएगा तुम्हें। वो देखो, वहां सामने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाने वाला बिरजू रहता है। लो बिरजू के खून से अपने जख्म पे मरहम लगा लो, बाकी नारायण सब संभाल लेगा। गड़बड़ हो गई? ये तुमने क्या किया? आज तुम्हारी वजह से एक बहन के हाथ अपने भाई के खून से रख जाते। भाई, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, वहाँ बिरजू नहीं मेरा सगा भाई विक्रम रहता है। विकी? विक्रम? हे भगवान, ये किस पाप की सजा देने लगा था तू? मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाती। हाँ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलो, हमारी मेहरबानी से तुम्हें तुम्हारा भाई तो मिल गया, अब तो हम अपने इनाम के हकदार हैं ना? शर्त मैंने बिरजू से मिलने के बाद की रखी थी नारायण बाबू, अपने भाई से नहीं। भाई तो बहन को तवाइफ के रूप में देखते ही मर जाता, लेकिन नारायण बाबू मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे भाई को ये कभी पता नहीं होने देंगे कि उसकी बहन एक कवायफ है। राघवन, शंकर, अरे कहां मर गए? ये अंधेरे में किसका माता मना रहे हो? तेरा। तू क्या? और इस वक्त क्या? मौत कहीं भी और किसी भी वक्त आ सकती है नारायण। उस लड़की को कहां छोड़कर आ रहा है जिसे तूने मेरी मौत बनाकर भेजा था? कौन सी लड़की, किसने भेजा था? तूने इस दुपट्टे को पहचानता है? मैं क्यों पहचानने लगा? मैं क्या दुपट्टा ओढ़ता हूँ? अच्छी तरह पहचान जाएगा नारायण, जब यही दुपट्टा कफन बनकर तेरी लाश पर गिरेगा। अपनी हसरत जरूर पूरी कर ले, मगर इतना सोच ले अगर मुझे मार डालेगा तो
तो तेरी बहन सीता से मिलने की जो तेरी हसरत है वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। सीता कहाँ है मेरी बहन सीता? तू उसे जानता नारायण? मैं तो उस बिरजू को भी जानता हूँ जो तुम्हारी बहन सीता को यहाँ उठा कर लाया था। बिरजू, मेरी बहन सीता से मिलवा दे नारायण। मेरी और मेरी बहन की खुशियों को डस लेने वाला वो सांप किस पिल में छुपा है उसका पता बता दे, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं, इसे एहसान नहीं, मेरा फर्ज समझो विक्रम। वक्त आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन सीता से भी मिला दूंगा और उस सांप का बिल भी दिखा दूंगा। वक्त, मेरी बहन की प्यार की तड़प और तलाश खत्म होने का वक्त कब आएगा नारायण, कब आएगा? जब मेरे आदमी तुम्हारी बहन सीता को छुपाने वाले रावण की लंका को ढूंढ निकालेंगे तब। तूने बिरजू को उसकी आरती से दूर ही नहीं किया बल्कि मुझे सब्र की चिता पर चलने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा सब्र टूटने से पहले मैं बिरजू के साथ उसकी अर्थी को लेकर खुद तुम्हारे पास आऊंगा।